सभी दोस्तों को नमस्कार। ये दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं सेक्स, इससे पहले हम सेक्स बूस्टर पावर बूस्टर बनाते थे, तो अब हम बनाने जा रहे हैं सेक्स बूस्टर प्लस, जिसमें सेक्स बूस्टर से कुछ थोड़ी इसमें ज़्यादा जड़ी बूटियां पड़ेंगी और उस थोड़ा ये उससे जो है पावरफुल होगी। इसका काम क्या होगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीर को गाढ़ा करता है, बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, ताकत शरीर में भरपूर लाता है। ताकत के साथ साथ जिनको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मसाने को ताकत देगा, वीर वाहिनियों को मजबूत करेगा और रुकावट पैदा करेगा, रोकने की क्षमता पैदा करेगा, इरेक्शन पैदा करेगा। ये 40 प्लस वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। ये जड़ी बूटियाँ पीस कर जो है इसमें रखी गई हैं, ये रूमी मस्तकी की रगड़ाई हो रही है। और जिनको ये खाने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत कसर अगर इरेक्शन में बसती है इसको खाने के बाद, तब उनको ज़रूरत पड़ने पे सिंगरफ या संखिया की से बनी हुई दवाई दिया जाता है, बहुत ज़रूरत पड़ने पे। नहीं तो इसी का रिज़ल्ट ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करती है। और इसके साथ कैप्सूल शहनशाही भी अगर लें तो इरेक्शन पे और ज़बरदस्त काम करती है, क्योंकि उसमें कुचला पड़ता है और भी 18 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं, लौह भस्म, हीरा कशिश भस्म, ये सब चीज़ें पड़ती हैं, पतली फौलाद भी उसमें पड़ता है। तो ये उनके लिए। और जो हमने तिला बनाया है इसके साथ, वो तिला का काम जो है जिनकी बहुत ज़्यादा ही भस्मैथुन बहुत ही ज़्यादा जो कर लेते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है। उस तिले का नाम भी हम रखेंगे सेक्स बूस्टर प्लस, इनके साथ इसके साथ दिया जाएगा, वो 40 प्लस वालों के लिए रहेगा। और कम उम्र वालों के लिए तिला दूसरा रहेगा। तो बूस्टर प्लस वाले तिले का भी काम ये रहेगा कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया है, बहुत ज़्यादा संभोग करने की वजह से उनकी नसें ख़राब हो गई हैं और टेढ़ापन आ गया है, टेढ़ापन आने की वजह से भी जो है फुल इरेक्शन नहीं आ पाता है, तो उसमें बहुत ज़बरदस्ती ये काम करती है। तो अब मौसम भी धीरे धीरे ठंडा आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, वीर को पैदा भी करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही, इसके इतने फ़ायदे हैं कि बता भी नहीं सकता मैं, क्योंकि जब रोगी खाता है रोगी फ़ायदे खुद बताता है, वो तब पता चलता है कि दवा में कितना दम है।